आज तक हमने राजा महाराजाओं के बड़े बड़े पैलेस के बारे में तो जरूर सुना है, पर क्या आपने कभी डोंकी पैलेस के बारे में सुना है? हमने देखा है कि गधों का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था और पहाड़ी एरिया में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए किया जाता था। इसी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए वरनपेट के रहने वाले मिस्टर बाबू ने गधों का सबसे बड़ा कमर्शियल फार्म बनाया है और इसको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डोंकी फार्म कहा जाता है और इसका नाम उन्होंने रखा है डोंकी पैलेस। मिस्टर बाबू एक स्कूल ड्रॉप आउट थे जब उन्होंने ICAR के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे उन्होंने गधों के फार्मिंग के बारे में सोचा। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का फार्म शुरू किया। अभी तक उनके पास 5000 से भी ज्यादा डोंकीज है और वो फ्रेंचाइजी मॉडल में भी काम करते हैं। उनके पास 75 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है। रिसेंट कुछ दिनों में हमने देखा है कि गधों का मिल्क एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड इसके प्राइस के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। एक मिल्किंग फीमेल डोंकी 6 महीने के लिए 0.5 से 1 लीटर पर डे के हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस करती है। डोंकी मिल्क में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं, इसकी वजह से ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ज्यादा यूज किया जाता है। डोंकी डंग फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं और इसका डिस्टिल डोंकी यूरिन फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। गधे की इसी दूध में एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट, रीजनरेटिंग कंपाउंड होते हैं, इसकी वजह से स्किन सॉफ्ट रहती है। इस दूध की प्राइस 5 से 7 हजार पर लीटर है। NRCE ने गधों का फार्म शुरू करने के लिए हलारी जात के गधे गुजरात से मंगवाए थे। हालांकि इसमें चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे पर डे इसका प्रोडक्शन बहुत कम है और जो लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल आदिवासी लोगों के पास गधे होते हैं, तो वो अगर प्रोड्यूस भी करें तो उनको कहाँ बेचना है यही पता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और गधों का फार्म चालू करने में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।